सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में। संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है, जहाँ राष्ट्र व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों या इटली के राज्य अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। आठवां है, शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करता है और विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर दिया जाता है। अब हेंसे मार्गेंथु जो है शक्ति के चार अर्थ बताते हैं। राज्य में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप को चित्रण करने वाले सिद्धांत, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली, और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं और शक्ति संतुलन जो है इसकी विशेषताएं, लाभ और हानि को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बामर और पार्किंस जो हैं वो कहते हैं शक्ति संतुलन से अभिप्राय है तुल्य भारीता अथवा संतुलन, लेकिन इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि स्थायी रूप से ये कहीं भी स्थापित नहीं हो सकती। दूसरा है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। स्पाइकमैन कहते हैं शक्ति संतुलन कोई देवीय व्यवस्था नहीं है बल्कि मानव द्वारा निरंतर हस्तक्षेप करके स्थापित की जाने वाली स्थिति है। तीसरा है शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्वक स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है, किंतु जो नीतियाँ यथापूर्व स्थिति के पक्ष में होती हैं वो नए परिवर्तन को स्वीकार करने की विरोधी में होती हैं, इसलिए असफल होती हैं। चौथा है ये कहना कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना स्थिर करना असंभव है। दो शक्ति गुटों की स्थिति बराबर है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केवल एक स्थिति में किया जाता है, वह युद्ध। जिस शक्ति संतुलन की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध की समाप्ति पर उसकी स्थापना करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। नेक्स्ट है इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है और राजनीतिक उसे व्यक्तिनिष्ठ। मार्टिन व्हाइट कहते हैं इतिहासकार की दृष्टि में शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग समान होती है, परंतु एक राजनीतिक की दृष्टि में शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब उसका पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक सशक्त हो जाता है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश साधारणतः अपनी उदारवादी नीतियों के कारण शक्ति संतुलन स्थापित करने में उत्सुक नहीं होते, जैसे भारत, और सर्वाधिकारवादी देश शक्ति संतुलन के हम इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका लक्ष्य अब इसका प्रसार करके एक ही साम्राज्य का निर्माण करना होता है, जैसे चाइना। नेक्स्ट शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र उनका शिकार बनते हैं या दर्शक होते हैं। स्पाइकमैन के अनुसार जब तक ये छोटे राज्य आपस में सफलतापूर्वक संगठित नहीं होंगे तो शक्ति संतुलन की तुलना में पड़लों में रखे जाने वाले बांटों के अलावा कुछ नहीं होंगे। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं भारत चीन के बीच में, पाकिस्तान और नेपाल की स्थिति ठीक इसी प्रकार के हैं। अब शक्ति संतुलन की जब हम बात करते हैं तो स्थापित करने के उपाय, पहला है क्षतिपूर्ति कंपनसेशन। एक राज्य को उतना दो जितना उससे लिया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्य भारीता बने रहे। सन 1713 में यूट्रेक्ट संधि द्वारा प्रथम बार स्पेन ने अधिकृत भूमि को बांटकर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। पोलैंड का 3 बार विभाजन हुआ और तीनों बार बंटवारा इसीलिए किया गया कि उसको भूभाग जो है उसके उर्वरता, औद्योगिक क्षमता और संसाधनों की प्रचुरता के हिसाब से बांट दिया जाए। ईरान के संबंध में ब्रिटेन और रूस की प्रतिद्वंद्वी का परिणाम 1907 की रूसी संधि निकलता है। तो मॉर्गेंथु कहते हैं कि राजनीतिक समझौतों को जन्म देने वाली राजनयिक वार्ताओं की सौदेबाजी में भी अपने सामान्यतम रूप का सिद्धांत ही है और इस प्रकार ये शक्ति संतुलन का अंग है। दूसरा आता है हस्तक्षेप। कभी कभी शक्तिशाली राज्य
संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश सशक्तिकरण, औद्योगिकरण तथा उत्पादन बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन जाता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ता है। ऐसी स्थिति बने राज्य या तो मूकदर्शक बने रहते हैं या वह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट। मध्यवर्ती राज्य एक ऐसा बफर राज्य स्थापित हो जाता है जो दुर्बल हो, दो बड़े गैर मित्र देशों के बीच में हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े अभिन्न मित्रों को अलग रख के उनसे अभिन्न अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनसे युद्ध छेड़ने की गुंजाइश को कम करना। अब मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे तटस्थीकृत राज्य, जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच, तटस्थ राज्य या सैटेलाइट उपग्रह राज्य जैसे पूर्वी यूरोप और गुटनिरपेक्ष राज्य। अब सशक्तिकरण आता है। मॉर्गेन्थो के अनुसार जिस प्रचार साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति संतुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, अशस्त्र है। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तब उसके प्रतियोगी राज्य भी उसकी बराबरी में आने के लिए होड़ लगाते हैं शस्त्रों की। शस्त्रीकरण की ये दौड़ यद्यपि संतुलन के लिए होती है, लेकिन इसका कारण गतिशील शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण करता है। नेक्स्ट है विभाजन तथा शासन। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु पक्ष के साथी राज्यों में फूट डालने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके शत्रु आपस में ना मिल सके और वे कमजोर रहें। विभाजन करो शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाने अथवा बनाए रखने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है मैत्री संधियाँ। मैत्री संधियाँ शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार नहीं है। पामर एवं पार्किंस कहते हैं कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन से होता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, गोलार्धीय हो या विश्वव्यापी हो। मैकियावेली कहते हैं सर, ये दुर्बल पक्ष के साथ ही संधि करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए। अब इससे लाभ या हानि क्या होते हैं? तो छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखा जाता है। जैसे छोटे राज्य जो होते हैं वो यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो कोई राष्ट्र प्रबल नहीं होगा। तो प्रबल जो राष्ट्र होते हैं महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी होते हैं, इसलिए शक्ति के समान वितरण से छोटे राज्यों की स्वाधीनता को खतरा नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण, शक्ति संतुलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है यदि विविध राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों में शक्ति का समान वितरण हो, तो कोई भी राष्ट्र या राज्य समूह आक्रमणकारी बनने का साहस नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। ओपेनहेम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति का संतुलन हो। अब हम इसकी कुछ कमियों को देखते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि ये सिद्धांत बिल्कुल अर्थहीन हो गया है क्योंकि वे किसी समस्या का समाधान नहीं करता, ना न्याय की स्थापना करता, ना अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विश्लेषण करने में सहायक होता है, ना ही सद्भावना बढ़ाने में। क्विंसी राइट कहते हैं यदि प्रजातंत्र तथा मानव स्वतंत्रता को जीवित रहना है तो राष्ट्र इन सिद्धांतों की हामी भरते हैं, उन्हें शक्ति संतुलन के स्थान पर कुछ अन्य आधार ढूंढने चाहिए। अब इसकी आलोचना होती है, पहला है राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना। शक्ति संघर्ष में क्रियात्मक ढंग से संलग्न सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वास्तव में उनका शक्ति का संतुलन अर्थात समता न हो वरन उनके लिए शक्ति की उत्कृष्टता हो। इसलिए सभी राष्ट्रों को मौजूदा परिस्थितियों में अधिक से अधिक शक्ति की खोज करनी चाहिए। दूसरा है शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त रहते हैं क्योंकि अधिकतम शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा सार्वभौमिक है, तो सभी राष्ट्रों का यह भय होना स्वाभाविक है कि उनकी अपनी मिथ्या गणनाएं तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि उनको और कमजोर बना देगी। तीसरा है शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है। शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का आदर्श वितरण। पर जब ये कहते हैं कि अमुक राष्ट्र के हाथ में शक्ति का संतुलन है तब आमतौर पर हमारा आशय होता है कि उनके पास ज़्यादा शक्ति है। तो मॉर्गेन्थो कहते हैं शक्ति संतुलन के पलड़े कभी भी संतुलित नहीं होते, ना समता का सही बिंदु पहचाने योग्य और ना ही उसके पहचानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है। शक्ति संतुलन की स्थिति में एक यथापूर्व स्थिति वाले राज्य अथवा उसके संशय तथा साम्राज्यवादी शक्ति अथवा उनके समूह के विरोध में युद्ध होने की संभावना रहती है। तो
कल का यथापूर्वक स्थिति का समर्थक राष्ट्र विजय द्वारा आज के साम्राज्यवादी राष्ट्र में परिणत हो जाता है, और जो पराजित राष्ट्र होते हैं वो अपनी पराजय का बदला लेने की घात में रहते हैं। तो विजेता की महत्वाकांक्षा जिसने संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए हथियार उठाए तथा हारने वालों का रोष जो होता है नए संतुलन बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है शक्ति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। ऑर्गेंस्की कहते हैं एक पक्ष के पास शक्ति की विपुलता होने की स्थिति में कमजोर पक्ष विपुल शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार शक्ति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है ना कि शक्ति के संतुलन से। तो बराबर शक्ति होने पर दोनों पक्षों को संघर्ष आरंभ करने का प्रलोभन बना रहेगा। जब धुरी राष्ट्रों की शक्ति यूरोपीय मित्र राष्ट्रों की शक्ति की बराबरी में आ गई तो दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसलिए शांति और शक्ति संतुलन का संबंध उल्टा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिकी रूपक है। राष्ट्रों के समूह में संतुलन का विचार यांत्रिकी के क्षेत्र में किया गया रूपक है। यांत्रिक विधि से कल्पित शक्ति संतुलन को एक सरलता से पहचानने योग्य परिमाणात्मक कसौटी की आवश्यकता है, जिसके द्वारा बहुत से राष्ट्रों की सापेक्षिक शक्ति की माप तथा तुलना हो सकती है। किंतु क्या हम राज्यों की सापेक्षिक शक्ति को माप सकते हैं? क्या एक राष्ट्र अधिक प्रदेश होने से अधिक शक्तिशाली हो जाता है? दो शासकों में कौन अधिक शक्तिशाली है? वह जिनके पास सैनिक शक्ति के 3 पौंड, राज्य मर्मज्ञता के 4 पौंड, उत्साह के 5 पौंड और महत्वाकांक्षा के 2 पौंड है, अथवा वह जिसके पास सैनिक शक्ति के 12 पौंड और अन्य सब गुणों का 1 पौंड है। तो अटकलबाजियों की एक श्रृंखला है। इसको हम भारत चीन के हिसाब से लें तो किसकी फौज कितनी ज़्यादा है, किसके पास कितने हथियार हैं, तो राष्ट्रीय शक्ति को आंकना बड़ा मुश्किल है। जब राष्ट्रीय शक्ति को मापा नहीं जा सकता तो शक्ति संतुलन की यांत्रिकी कल्पना केवल कल्पना बन के रह जाती है। इसीलिए हेंस जे मॉर्गेंथो शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अनिश्चित अवास्तविक और अपर्याप्त सिद्धांत कहते हैं। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की अस्थायित्व का कारण इस सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण होना नहीं है। इसका कारण तो वे खास अवस्था है जिनमें इस सिद्धांत को प्रभुत्व संपन्न राज्यों के समाज में कार्य करना पड़ता है। आशा है आपको ये शक्ति संतुलन समझ में आया होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट था। आशा है आप लोग इसको परीक्षा के लिए ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।